हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ बुक डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स योर फर्स्ट टॉपिक इज़ बैक्टीरिया व्हाट इज़ बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द सिंपल प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स द बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लिवन हुक ये क्या थे एक डच साइंटिस्ट थे ठीक है और कहाँ पर इन्होंने किस पार्ट पोंड वॉटर के अंदर और ट्र स्कैप फ्रॉम द टिथ ठीक है और स्टार्टिंग में इन्होंने बैक्टीरिया का नाम दिया एनिमिक एनिमिकलिस बाद में जो एरहन ब्रग एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ट्रम बैक्टीरियम दी देन आपके साइंटिस्ट हुए लुइस पासर मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन द ईयर एटीन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव ठीक है ने, नेक्स्ट फिर कुछ अनदर साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अलग अलग और ज़्यादा थ्योरीज दिया अबाउट बैक्टीरिया दे आर कंसीडर द सिंपलेस्ट प्लांट प्लान्ट दे आर स्टडीज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी तो प्रोकैरियोटिक से आप क्या समझते हो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे यूनिसेल मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से माइक्रोस्कोपिक मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको आप क्या है नेक्ड आई से नहीं देख सकते जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ठीक है तो कुछ मेन कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया की वो क्या रहेंगी फर्स्ट इज द प्ला द प्रेजेंस ऑफ फ्रिजिड वॉल बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है सेल वॉल होती है आउटर लेयर सेकंड द सेल वॉल कंटेन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यमिक एसिड इन सर्टेन बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डाई अमीनोपीमेलिक एसिड ठीक है तो इनकी जो सेल वॉल है उसका कॉन्स्टिट्यूट दे रखा है कि एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी होती है थर्ड इज दे आर प्रोकैरियोटिक फोर्थ पॉइंट इज़ द वेल नो द वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकूलम गोलगेपरेटस प्लास्टिड आर एबसेंट इन द बैक्टीरिया वैसे भी हमें पता है जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर क्या रहता है हमारे ऑर्गेनलिज एबसेंट रहते हैं यूकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनलिज प्रेजेंट होते हैं तो आपका बैक्टीरिया जो है ये भी क्या है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम है इसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनालिस्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिस्ट जो है वो एबसेंट है फिफ्थ पॉइंट इज देर आर यूज अली फोर टू टू टेन माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड जीरो पॉइंट टू 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 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ ये साइज दे रखा है आपके बैक्टीरिया का मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैट्रोट्रोपिक बींग नॉन क्लोरोफिलस एंड यूनिसेलर प्लांट दैट मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से ये क्या है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो इनको अपने फूड के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिजम पर डिपेंड रहना पड़ता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है हाइट्रोट्रोपिक सेवंथ फ्यू बैक्टीरिया कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स दैट इज़ नॉन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं दैट इज़ नॉन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल देन आपका जो बैक्टीरिया है उसमें कुछ प्लांट लाइक करैक्टरस्टिक्स भी होते हैं ये तो सारी करैक्टरिस्टिक्स जो बताए हैं क्या थी एनिमल लाइक -like. और या फिर कुछ कॉमन करैक्टरस्टिक्स थी लेकिन कुछ हम इसे बॉटनी में स्टडी कर रहे हैं बै बैक्टीरिया को तो बॉटनी में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ प्लांट लाइक -like करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी ना जिसकी वजह से हम इसको क्या है बॉटनी में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल हमें पता है प्लांट के अंदर जो सेल होती है उसके आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है जबकि एनिमल के अंदर जो सेल होती है उसके आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इसके अंदर क्या है सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एक सिमिलर फीचर होगा किसके जैसा प्लांट सेल वॉल जैसा सेकेंड इज़ लाइक ऑफ प्लांट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो सिंथेसाइज ऑन एंजाइम्स एंड विटामिन हमें पता है एंजाइम्स एंड विटामिन जो होते हैं प्लांट क्या है सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन करता है जबकि एनिमल बॉडी के अंदर

फोर्थ पॉइंट इज समीरियार ऑटोट्रोपिक एंड सिंथेसिस द ऑर्गेनिक फूड बाई टेकिंग कार्बन डाईआक्साइड मैंने ऊपर बताया ना इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप का पिटमेंट प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया क्लोराफिल जिसकी हेल्प से ये कभी कभी क्या करते हैं खुद का फूड सिंथेसिस कर लेते हैं फिफ्थ सम ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो इन फिलामेंटल स्ट्रक्चर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियाज आर सिंपल यूनीलर स्ट्रक्चर ठीक है बट इनके जो सेल्स होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कॉलोनी बनाते हैं तो क्या एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं सिक्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ सम एल्गी एंड फंजाई जैसे एल्गी एंड फनजाई में रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक वाइज बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन शो करता है द प्रेजेंस ऑफ म्यूसीस सीथ अराउंड सम ऑफ द बैक्टीरियल सेल लाइक लाइक डेट ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होती है आउटर में म्यूसिलेज की सीट होती है ताकि वॉटर जो है डिस्ट्रॉय ना कर पाए प्लांट के स्ट्रक्चर को इसी तरीके से बैक्टीरिया की जो बाहर की आउटर मोस्ट जो सेल वॉल के बाहर एक सीट होती है म्यूसिलेज की देन आपका बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस एक्सेप्ट फ्लेम मतलब सिर्फ फायर के अंदर तो नहीं मिलता बाकी हर जगह मिलता है आपका बैक्टीरिया दे हैव बिन नोटिस इन द हॉट स्प्रिंग्स इन वेरी कोल्ड वाटर इन साइड द आइस ऑल्सो प्रेजेंट इन स्लाइवा ऑफ माउथ एसकर इज फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन दे आर क्वाइट एविडेंट इन द सोइल अप टू फिफ्टीन सेंटीमीटर की डेप्थ तक भी ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया जैसे कार्ल आर वोर्स हुए हैं डिस्कवर्ड ए रेयर ऑफ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच थ्राइव ऑन द हाइड्रोजन एंड हीट एंड कील्ड बाई ऑक्सीजन तो कुछ कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने तो अगर हम सपोज करें कि बैक्टीरिया कब इवॉल्व हुए हैं तो बैक्टीरिया लगभग थ्री पॉइंट फाइव मिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे व्हेन द प्रिमेटिव अर्थ हैड एन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड उस टाइम पे हमारा अर्थ क्या था बहुत ज़्यादा हॉट होता था गर्म होता था तो मिजोफिलिक बैक्टीरिया बेस्ट ग्रो कर सकते विद इन द टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव तो टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस आपके टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर वो अर्थ का इतना रहता है ट्वेंटी फाइव तो टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस इन समर फ्लावर्स के अंदर तो उस टाइम पे क्या है मीजोफिलिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं ग्रो करते हैं और पहले जब अर्थ बना था उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता हाई टेम्परेचर पे वो बैक्टीरियाज होते थे बैक्टीरियाज के अंदर भी वोल्यूशन होता रहता है नेक्स्ट द बैक्टीरिया आर ऑफ आर ऑफ ग्रेट बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग एज वेल एज दे कार वेरियस डिजीज लाइक लेप्रोसे, टनस डेपथेरिया ठीक है वो पिंक ऑफ क्लोरेप्लेग ये कुछ डिजीज हैं जो कि इसकी वजह से होती है बैक्टीरिया की वजह से हाउ एवर द बैक्टीरिया आर ऑफन कंसिडर एज फ्रेंड ऑफ मैन सिंस दे आर वेरी यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑलवेज़ आउट वेट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़ मतलब हार्मफुल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा काम वो यूजफुल एक्टिविटीज़ भी होती हैं उनकी कुछ वो जो ह्यूमन बेनिफिशियल के जैसे हम फ्रेगमेंटेशन का फर्मेंटेशन का काम करते हैं तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसमें कर्ड वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है और इंटेस्टाइन में भी जैसे ई कोलाई है वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल ही है विटामिन भी प्रोवाइड करती है तो बैक्टीरिया की जो यूज़फुल एक्टिविटी है वो उसके हार्मफुल इफेक्ट से ज़्यादा है इसलिए बैक्टीरिया को हम क्या फ्रेंड ऑफ मैन भी बोलते हैं नेक्स्ट साइज साइज बैक्टीरिया का डिफर करता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट रेंज का रहता है लेकिन बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं हर टाइप के कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता जिसे हम नेकडाइस से दे सके तो लाइटली माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख सकते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है सम ऑफ दिज लार्जेस्ट बैक्टीरिया लाइक द स्पेरोट सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो 500 माइक्रोमीटर का साइज होता है जिसको हम नेक्ड डाइज से देख सकते हैं इससे छोटे बाकी सारे होते हैं द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलेस्टर जो कि कितना होता normal size, normal size different, different है जीरो पॉइंट वन फाइव टू जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर इन डायमीटर नॉर्मल साइज नॉर्मल साइज ऑफ रोड से बैक्टीरिया वेरी करता है जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर टू फिफ्टीन ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज दे रखी है आपको बैक्टीरिया की नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ेंगे कि जि डिफरेंट जो शेप्स के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की फॉर्म क्या क्या रहेंगी तो मेनली जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट सेप्स शो करता है इरेगुलर लूस मास से लेकर फिलाामेंटल स्ट्रक्चर तक की उसकी एक स्पेशलाइज्ड सेप होती है ई जे कॉलिन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने रिकोगनाइज़ किया कुछ बेसिक्स फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया लाइक कोकस बैक्टीरिया बेसिलस बैक्टीरिया जो आपके स्पायरोम uh, है विब्रो है माइसीलियल ये सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेप के अकॉर्डिंग डिस्कवर किए गए हैं जैसे कोकस बैक्टीरिया होता है कोकस में क्या होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का अगर जो बै... सभी के सभी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं तो उसको आप बोलते हो माइक्रोकोकस अगर टू टू के ग्रुप में मिलते हैं तो डिप्लोकोकस फोर फोर के ग्रुप में मिलते हैं तो आप बोलोगे टेट्राकोकस और ज़्यादा फोर से ज़्यादा में और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसको आप बोलते हो स्टेप्टोकोकस और एक बाउल की फॉर्म में मिलेंगे मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बट उनके बीच में इंटरसलो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज स्टेफाइलो एंड नेक्स्ट फॉर्म इज सारे जिसके अंदर क्या रहता है कि वो एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन एक अरेंज्ड फॉर्म में तो इसके बारे में रिटर्न में पढ़ो कोकस दीज आर द स्फेरिकल सेप बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर इन ए ग्रुप दे मे बी जैसे एक है तो मैंने डिप्लोकोकस डिपलोकोकस टेट्रा वो मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट जैसे इसमें क्या डिफरेंस रहेगा स्टेफाइलो कोकस और सारेना में सरसिना में स्टेफाइलो जो होता है मास ऑफ द कोकई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ ग्रेप जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना इस तरीके से होता है और सारसिना क्या होता है ये एट सेल स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशलाइज मतलब क्या है कि स्टेफाइलो से मोर इससे इस ज्यादा इसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है ठीक है नेक्स्ट है आपका बेसिलस बैक्टीरिया बेसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है लाइक like, इनोगेटेड सा स्ट्रक्चर रहता है इसका तो इसके बारे में पढ़ेंगे व्हेन द बैक्टीरिया आर रोड सेप तो स्पेसिफिक अगर आपको बोला जाए कि रोड से बैक्टीरिया क्या बोलोगे आप बोलोगे बेसिलस

और चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो स्टेफाइलोसल नेक्स्ट है आपका स्पायरम स्पायरोलम को आप क्या बोलोगे दीज बैक्टीरियाज आर स्पायरली कोल्ड एंड फ्लैजिलेटेड ठीक है ये देखो ये इसके फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये क्या है स्पायरली कोल्ड है नेक्स्ट है विब्रो विब्रो को आप और क्या बोलते हो तो कोमा सेप दे बैक्टीरियाज आर कोमा लाइक्स इन सेप एंड ऑल्सो फ्लैजिलेटेड ये देखो इन पे भी क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट और कोमा की शेप में है कोमा हमारा ऐसा होता है ना तो इसी तरीके से इनकी शेप होती है माइसीलियल माइसीलियल क्या होते हैं इन इन दिस केस बैक्टीरिया फिलामेंटस इन शेप एंड एसेप्टेड बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता जो डिवाइड कर सके ये देखो जैसे यहाँ पर दो बैक, बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं तो ये जो बीच का पार्टीशन इनको एक वॉल है जो इनको क्या कर रही है सेपरेट कर रही है बट यहाँ पर ऐसा कोई भी पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है ये सारा कॉन्टीन्यू है तो इसको आप बोलते हो माइसीलियल टाइप स्टॉक टाइप बैक्टीरिया के अंदर स्टॉक प्रेजेंट होती है और बर्ड टाइप बैक्टीरिया के अंदर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है, है फ्लैजिलेशन जो बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है वो किस टाइप का होता है बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल मोटाइल मतलब जो मूवमेंट्स होकर नॉन मोटाइल मतलब जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया इज परफॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ द फ्लैक्सीबल विपलाइज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लैजिला ठीक है तो एक स्ट्रक्चर होता है जो जिसकी वजह जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करता है उस स्ट्रक्चर को ही आप क्या बोलते हो फ्लैजिला द फ्लैजिला इज़ ए लॉन्ग डेलीकेटेड फ्ले थ्रेड विच डू नोट स्ट्रिंग ड्यूरिंग प्लाजमोलाइसिस फ्लाजिलम और बैक्टीरिया इज कम्पोज ऑफ सिंगल प्रोटीन फाइब्रिल जिसकी फाइब्रिल के आपने अरेंजमेंट पहले पड़ी होंगी नाइन प्लस टू नाइन प्लस जीरो ऐसे तो जो यहाँ पर फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं उनके अरेजमेंट होते हैं नाइन प्लस टू फाइब्रिल मतलब जो माइक्रो फाइब्रिल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट दिखा रखी है नाइन जो पे होते हैं टू जो सेंट्रल पे प्रेजेंट होते हैं द फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया इज़ अबाउट फोर टू फाइव माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड वन ट्वेंटी अंगस्टोम थिक अगर हम डिफरेंस पढ़ते हैं देखो ये फ्लैजिला का आपको ब्लाजिला दिखा रखा है स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये ब्लैफेरोप्लास्ट है जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस करता हुआ आपका सारा फ्लैजिला स्ट्रक्चर है यहाँ पर माइक्रो फाइब्रिल दिखा रखे जो हमारी क्या होती है नाइन प्लस टू ये नाइन तो क्या है टूआ पेरीफेरी और टू सेंटर की तरफ प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोफिलाेट्स अब बैक्टीरियल फ्लैजिलम और यू कैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और यू कैरियोटिक फ्लाजीलम मतलब जो यू कैरियोटिक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम फर्स्ट इज इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मेड अप ऑफ सेवरल पैरल प्रोटीन फाइबरल और हेलिकल इन सेप ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजीलम इट इज मेड अप ऑफ एक्जोनियम एंड सीथ एग्जोनियम जो मिडल पोर्शन होता है सीथ जो उसको कवर की होती है द एग्जोनियम कंसिस्ट ऑफ नाइन प्लस टू पैटर्न फ्लैजिलम इज़ फोर टू फाइव माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड वन ट्वेंटी टू वन थर्टी एंगस्ट्रोमिन डायामीटर यूकेरियोटिक फ्लैजिलम कैन बी मेड अप ऑफ वन फिफ्टी माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड टू थाउजेंट इन डायमीटर थर्ड इज़ बैक्टीरिया फ्लैजिलम हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज देयर वेर जो आपका यूकैरियोटिक फ्लेजल के पास ऐसी कोई भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती फोर्थ इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीनस ओनली जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजल होता है इनके अंदर सेवेंटी परसेंट प्रोटीन ट्वेंटी परसेंट लिक्विड एंड टेन परसेंट पोलिसक्राइडस होता है फिफ्थ इट डज नॉट शो द क्रिस्टन टाइप ऑफ एसिड इसमें क्या है अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमें पता है सॉरी सिस्टीन टाइप ऑफ एसिड सिस्टीन क्या है एक स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है ठीक है तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स हमें पता है बेसिकली अमाइनो एसिड्स के मिलकर बने, बने होते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें सिस्टीन का कोई भी फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है सिस्टीन को छोड़ के बाकी अमाइनो एसिड से क्या है फ्लैजिला बने होते हैं लेकिन यूकेरस के अंदर सिस्टीन भी प्रेजेंट होता है ठीक है इट डज़ नॉट हैव ए टी पी एस फंक्सन जबकि आपका जो यू कैरिक फ्लाजिला है वो उसको इसको यूज़ करते टाइम या उसको मोबाइलिटी मोड़ देते टाइम ए टी पी को यूज़ करता है तो इसके पास क्या होता है ए टी पी एस फंक्सन होता है नेक्स्ट है मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बियर सेवरल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ठीक है बैक्टीरिया के ऊपर एक तो फ्लैजिला होते जो मोटाइल देते हैं उसके अलावा बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को आप पिलाई या फिर फिम्बरे बोलते हो जो क्या करते हैं अटैचमेंट में हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल टू अनदर सेल जबकि फ्लैजिला मोबेलिटी में हेल्प कर रहे थे ठीक है मोटेलिटी दे रहे थे जबकि जबकि आपके पिलाई जो हैं ये अटैचमेंट करवाते हैं द बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला इस ड्रमेज एट्राइकस जिस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा उसको आप बोलोगे एट्राइकस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड पोजिशन ऑफ द फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी फॉलोइंग टाइप फर्स्ट इज मोनोट्राइकस जिसके पास क्या है सिंगल पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट है एग्जाम्पल है विब्रो विब्रो में मैंने ऊपर बताया था ना कोमा सेप प्रेजेंट होता है कोमा सेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है सिंगल एक बैक्टीरिया वो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ठीक है तो इसको आप क्या बोलोगे मोनोट्राइकस एम्फीट्राइकस देयर इज ए सिंगल फ्लैजिलम इंसर्टेड एट ईच पोल दोनों पोल्स के ऊपर क्या एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट मिलेगा सिफेलोट्राइकस टू और मोर फ्लैजिलार फाउंड एट वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ मैं आपको देखो यहाँ इस पूरी बैक्टीरिया के ऊपर एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे एट्राइकस मोनोट्राइकस में एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है ठीक है मोनोट्राइकस ट्राइकस एम फी में एक एक एंड पे एक फ्लैजिला और दूसरे पे दूसरा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो एम फी ट्राइकस सिफेलो ट्राइकस के अंदर क्या रहता है कि एक ही एंड पे एक से ज़्यादा फ्लैजिला जैसे टू फ्लैजिलाज यहाँ दिखा रखा है ना प्रेजेंट है एक एंड के ऊपर जबकि नेक्स्ट अनदर एंड क्या है फ्री है यहाँ पर कोई भी फ्लैजिला नहीं है ऐसे को आप क्या बोलते हो सिफेलो ट्राइकस नेक्स्ट इज़ है लेप लोफेरो लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस में क्या रहता है कि मोर देन वन फ्लैजिला बोथ हैंड्स पे क्या है बहुत सारे फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं जबकि एम्फीट्राइकस में क्या था एक फ्लैजिला -एक दोनों हैंड्स पे था एक लास्ट फॉर्म होती है पेरीट्राइकस इसमें क्या होता है पूरी बॉडी के ऊपर ही फ्लैजिला 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 प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? तो इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस तो आपको मैंने बता दी यहाँ तक हो गया था हमारा सिफेलोट्राइकस तक नेक्स्ट है लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस में क्या लिखा है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज इंसर्टेड एट ईच ऑफ द टू एंड्स ऑफ द पोल्स ये देखो दोनों के दोनों पोल्स के ऊपर क्या है बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है पेरिट्राइकस मैनी फ्लैजिलाज आर इंसर्टेड ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैक्टीरियाज को आगे जाके मेन जो हम बोलते हैं दो टाइप के बोलते हैं एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको किस बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाता है ग्राम एक स्टेन होती है ठीक है उस स्टेन से हम क्या करते हैं बैक्टीरिया को डुबोते हैं उस टेन में मतलब क्या करते हैं स्टेनिंग करने की कोशिश करते हैं कलर करने की कोशिश करते हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है तो क्रिस्टियन ग्राम साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एक सेट स्टेन डेवलप करी स्टेन मतलब यहाँ बेसिकली आप लगा लो कि कलर डेवलप किया ठीक है तो स्टेन टर्म एज द ग्रीन स्टेन फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेनिंग टेक्निक ही क्लासिफाइड द बैक्टीरिया इन टू ग्रैम पॉजिटिव एंड ग्रैम नेगेटिव ग्रुप इन दिस बैक्टीरिया आर स्टेन विद वीकली एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट ठीक है क्रिस्टल वॉयलेट कलर का एक सॉल्यूशन होता है जिसको जिसमें क्या है है बेसिक सीटिक बहुत कम होती है उसके साथ में बैक्टीरिया को उसने क्या, -क्या? किया स्टेन किया नेक्स्ट फिर बैक्टीरिया मेयर इज ट्रीटेड विद फिर उस जो बैक्टीरिया को उसने रखा एक स्लाइड के ऊपर उस मेयर को क्या किया उसको उस मेयर के ऊपर उसने जीरो पॉइंट फाइव परसेंट आयोडीन डाला सोल्यूशन तो फिर उसको क्या क्या बैक्टीरिया की वो स्टेन है आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद एक्स्ट्रा स्टेन को वॉश किया विद एसिटोन के साथ में और वाटर के साथ में या फिर क्या यूज़ कर सकता है नाइन्टी फाइव परसेंट इथेनाइल एल्कोहल के साथ में जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेन डली थी वो क्या है रिमूव हो जाएगी उस रिमूव करने के बाद अगर बैक्टीरिया कलर्ड रहता है जो हमने डाला था ना स्टेन डाली तो स्टेन मतलब कलर्ड सब्सटेंस था उस रिमूव करने के बाद भी अगर बैक्टीरिया के अंदर पर्पल स्टेन बस जाती है तो उसको आप बोलोगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया डी कलराइज हो जाएगा मतलब सारी के सारी स्टेन ही रिमूव हो जाएगी बैक्टीरिया कोई भी स्टेन को अपटेक नहीं करेगा उस कंडीशन में आप बैक्टीरिया को बोलोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूजफुल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड विद थिन सेल वॉल है इसकर्सिया कोलाई आपका जो स्टमक के अंदर होता है ना ह्यूमन इंसोर स्टमक नहीं इंटेस्टाइन के अंदर होता है ई कोलाई वो क्या होता है ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है तो भी ये डिफरेंस है आगे बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट है दे एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन एंड रिटेन द ब्लू और पर्पल कलर इवन आफ्टर वॉशिंग विद एब्सोल्यूट एल्कोहल और एसीटोन मैंने बताया ना कि स्टेन करने के बाद भी अगर बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन बच जाती है मतलब वॉश कर दिया आपने बैक्टीरिया को एल्कोहल एसीटोन्स के साथ में तो फिर उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया के ऊपर कलर्ड रहता है बैक्टीरिया हमें कलरलेस दिखाई देने के बजाय कुछ कलर का पेयर होते हैं तब तो आप बोलोगे कि बैक्टीरिया क्या ग्राम पॉजिटिव दे डू नॉट रिटेन द कलर ऑफ द स्टेन वैन वोस्ड विद एबसिलूट एल्कोहल और एसिडोन तो उसको आप क्या बोलोगे ग्रह नेगेटिव बैक्टीरिया सेकेंड दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स हम एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं एंटी मतलब अंगेस्ट बायोटिक्स मतलब लिविंग तो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है उन मेडिसिन को उन केमिकल सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो एंटीबायोटिक्स तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं इनके ऊपर क्या है ग्राम एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता ये रजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए जबकि ग्रैम नेगेटिव होते हैं दे डू नॉट शो द रजिस्टेंट ये क्या किल कर जाएंगे अगर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है तो नेक्स्ट है द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है दैट इज नोन एज मोनोलेयर एंड विच इज इक्वल टू ओनली इनर म्यूरेमिक लेयर म्यूरेन लेयर मैंने बताया था ना एसिटाइल माइन और म्यूरेमिक एसिड्स की क्या है सेल वॉल मिल बनी होती है तो ग्रह पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर सिंगल लेयर बनी होती है वो भी किस चीज़ की मुरैन म्यूरेनिक ठीक है म्यूरेमिक एसिड की एंड जब ग्रह नेगेटिव दी सेल इज़ टू दो लेयर होते वजह से इसमें क्या है स्टेन नहीं बच पाती लेकिन सिंग्रैम पॉजिटिव में सिंगल लेर है तो वही एब्जॉर्ब कर लेती है दिस सेल इज टू लेयर एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेक्राइड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ म्यूरिन फोर्थ पॉइंट है दिस सेल वॉल इज स्ट्रेट एंड हंड्रेड टू टू हंड्रेड एंगस्टोम इन थिकनेस द सेल वॉल इज वी वी एंड सेवेंटी टू वन ट्वेंटी एंगस्टोम इन थिकनेस फिफ्थ पॉइंट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर क्लोज कनेक्टेड विद ईच अदर जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल इज कॉन्टेक्ट कनेक्ट विद कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एट फ्यू प्लेसेस के ऊपर यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगी यहाँ पर कुछ प्लेसेस पे कनेक्टेड है कुछ पे नहीं है सिक्स है द लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल इज वेरी लो एंड द लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कितना है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इन ग्राम पॉजिटिव द म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टर सेल इज सेवेंटी टू एट्टी परसेंट इन ग्राम नेगेटिव म्यूरिन कंटेंट ऑफ इनर सेलबोल टेन टू ट्वेंटी परसेंट मीजोसोम्स आर वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म एंड मीजोजोम्स आर लेस डेवलप और एबसेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मीजोसोम्स को मैं अब कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया का वहाँ पर बताऊँगी मीजोजोम्स क्या होते हैं एग्जाम्पल है जो ग्रैम पॉजिटिव के डिप डिप्लोकोकस है सेलमोन टेम्फाइस, डिप्टोकोकस है सेफाइलोकोकस है जबकि ग्रैम नेगेटिव के कोलाई है हेम्योफाइलस विब्रोकोल ये सब आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसका बेसिक कहाँ पर वो मिलता है कितना उसका साइज रहता है और क्या क्या उसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके शेप्स को हमने पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्या है और क्या पढ़ा है कि उसको दो ब्रोड क्लास में डिवाइड किया गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ठीक है तो ये है भाई आपका बैक्टीरिया इसमें जो बेसिक हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को मेन किस किस स्ट्रक्चर का मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है म्यूरेमिक एसिड की लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं मेजोजोम्स हैं गैस वैक्यूल्स हैं सेल वॉल क्या है इसमें और न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता।, होता है जिसको हम न्यूक्लोइड बोलते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होता है थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे इस डायग्राम को आप अच्छे से बनाना सीख ले सीख लीजिएगा पेपर में चांसेस ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के सेल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स फर्स्ट इज सेल वॉल सेकेंड इज साइटोप्लाज्म थर्ड इज न्यूक्लियर बॉडी मेन ब्रॉडली हमने तीन चीजों में डिवाइड किया सेल वॉल सेल वॉल होगी मतलब लेयर इनर सेल वॉल आउटर लेयर स्लिम लेयर तीनों लेयर्स को हम पढ़ लेंगे इसमें साइटोप्लाज्म मतलब कि जो उसके अंदर वोटरी कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर क्या क्या है न्यूक्लियोइड बॉडी न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियड मतलब कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है इन तीनों को हम ऐसे स्टडी करेंगे फर्स्ट इज सेलवॉल इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल एंड प्रोवाइड शेप एंड टर्जिडिटी ऑफ द सेल इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इन इकोलाई एंड आउटर ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया सेलवॉल इज मेड अप ऑफ टू लेर फर्स्ट इज इनर लेयर सेकेंड इज आउटर लेयर अभी मैंने ऊपर बताया था ना ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होता है ग्राम नेगेटिव में टू लेयर स्ट्रक्चर होता है तो हम दोनों लेयर को पढ़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक ही स्ट्रक्चर में तो क्या है इनर लेयर का जो कंपोजिशन होता है वही प्रेजेंट होता है जब सिंगल लेयर हम बोलते हैं तो और मल्टीपल लेयर में क्या होता है जो इसमें डबल लेयर स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा इनर और आउटर लेयर दोनों को स्टडी करेंगे तो अगर आप जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है इनर लेयर भी और आउटर लेयर भी तो इनर लेयर में क्या होता है कंसिस्ट ऑफ म्यूरिन म्यूकोकॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकन विच इज मेड अप ऑफ पोलिसक्राइड एंड पेप्टाइड म्यूरीन इज मेड अप ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यूरािक एसिड एंड ए पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ फोर और फाइव माइनो एसिड्स म्यूरीन कंसिस्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द सेल वॉल इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने बताया ना सिंगल लेयर होता है वो भी इनर लेयर कंपोजिशन होती है तो नाइनटी फाइव परसेंट म्यूरीन ही मिलता है आपको ग्राम पॉजिटिव के अंदर जबकि ग्राम नेगेटिव की अगर बात करते हो तो वहाँ पर ये म्यूरी

एक तो ये और एक इसे नीचे वाली तो ये हमने आउटर लेयर और इनर लेयर पढ़ा है लेकिन जो ये वाली पूरी की पूरी आपकी लेयर है ये है सारी की सारी कैप्सूल और म्यूरिन लेयर स्लाइम लेयर अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे द सेल ऑफ द इकोलाई हैज ए म्यूसी कवरिंग आउटसाइड द सेल वॉल मैंने डिफरेंस में बताया था कि क्या होता प्लांट और एनिमल सेल्स में से पी प्लांट में सेल वॉल होती है प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं उनके बाहर क्या होती है म्यूसिलेज की एक थिक कवरिंग होती है इसी तरीके से मैंने वहाँ बताया था प्लांट लाइक जब प्रॉपर्टी बढ़ाई थी कि बैक्टीरिया के ऊपर भी म्यूसिलेज की लेयर होती है वो म्यूसिलेज की लेयर को ही आप कैप्सूल और स्लाइम लेयर बोलते हो विच इज़ प्रोटेक्टेड द बैक्टीरिया इज द केमिकल डेसिकेशन एंड एक्शन ऑफ द फेगोसाइड भी कोई इसको खा ना ले बैक्टीरिया को उससे प्रोटेक्ट करती है दिस इज म्यूकोइड एनवलप एंड स्लाइम लेयर समाइम दिस बिकम हार्ड लाइक क्यूटिकल एंड देन इट इज़ नोन एज कैप्सुलेटेड अगर सिंपल म्यूसिलेज की बात करोगे तो स्लिम लेयर बोलोगे और अगर ये हार्ड हो जाए क्यूटिकल की तरह तो उसे बोलोगे कैप्सूल कैप्सुलेटेड कैप्सूल इज यूजली अप ऑफ पोलिसक्राइड दैट इज डेक्सट्रीन लिव इन सेलोल ये सब क्या है पोलीसेक्राइड इनसे मिलकर बना होता है बट समाइम मेड अप ऑफ दैट इज डी ग्लुकेटिक एसिड पोलिसक्राइड और पोलीपैप्टाइड में तो फर्क समझते हैं ना कि पोली जो सेक्राइड होते हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट ओली पेप्टाइड मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स ठीक है कैप्सूल इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड रेजिस्टेंट रजिस्टि फैगोसाइटोज जर्नली द सेल वॉल इज विदाउट सेलुलोज एक्सेप्ट जैसे एसिटोबैक्टीरिया एंड जिमनोसकेरियन इनको छोड़ के बाकी सब में जो सेल वोल लगभग सेलुलोज के बिना होती है इन दोनों में क्या होता है सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है अमाउंट में नेक्स्ट इज फ्लैजिला और सेक्सपीलाई ई कोलाई इज पेरीट्राइकस टाइप पेरीट्राइकस मैंने ऊपर पढ़ाया था ना जिसमें बैक्टीरियाज को कंप्लीटली हर तरफ से क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट होते अपर नीचे हर हर लेयर पे तो जो आपकी ई कोलाई होती है वो पेरीट्राइकस टाइप की होती है बियरिंग द सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एंटायर बॉडी ऑफ bacterium is known as flagella the flagella are four to five micrometer long and 12 to 15 micrometer in diameter each flagellum is a single standard monofibril structure made up of protein fibrils it is differentiated into basal body अटैच विद द प्लाज्मा मेमरिन एक हुक का होता है फिलामेंट लास्ट लोअर में क्या है बेससेल बॉडी फिर प्लाज्मा एम्बरन से जो डायरेक्टली अटैच है यहाँ पर हुक प्रेजेंट होता है देन आपका कम्प्लीटली फ्लैजिल फिलामेंट प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला के हम इसका आपका नेक्स्ट एक पेपर रहता है सेकेंड पेपर जिसको आप बोलते हो सेल बायोलॉजी उसमें आप कंप्लीट एक एक ऑर्गेनलिज के बारे में स्टडी करोगे ठीक है यहाँ पर आपको नाम पता होना चाहिए वहाँ कंप्लीट डिटेल भी पता होनी चाहिए द बेसल बॉडीज एंड हुक फॉर्म द लोअर थिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लैजिलम नेक्स्ट है इन एडिशन टू फ्लैजिला माइन्यूट हेयर लाइक शॉर्ट नैरो पोरोटोप्लाजमिक प्रोजेक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट इन किसके अंदर मेल बैक्टीरियम्स के अंदर ठीक है तो उन प्रोजेक्शंस को आप क्या बोलते हो पिलाई पिलाईज आर द थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर इन डायमीटर हेल्प द मेल और डोनर सेल इन द अटैचमेंट टू द फीमेल और रिसिपियट सेल से इसी पिलाईज को आप बोलते हो सेक्स पिलाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है अभी हमने क्या पढ़ा तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया हमने इसकी और फ्लैजिला के बारे में अब ये जो कंटेंट इसके अंदर है इसको बोलते हो आप साइटोप्लाजम और साइटोप्लाजम के बारे में पढ़ोगे किस में क्या क्या होता है इनर इनर टू द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट कलरलेस ट्रांसलुकेंट एंड विस्कस साइटोप्लाज्म। इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट सुगर अमाइनो एसिड विटामिन कोजाइम्स मीजोजोम्स एंड राइपोजोम्स ठीक है इसके अंदर क्या है सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं विटामिन अमाइनो एसिड शुगर्स मीजोजोम राइजोसोम्स इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सेलफूल इट हैज रिजर्व फूड मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स द मेम बाउंड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकोन प्लास्टिड ये सब क्या रहेंगे इसके अंदर एबसेंट रहते हैं क्योंकि ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है ठीक है और यहाँ पर क्या ट्रू न्यूक्लियस भी एबसेंट रहता है इंस्टीड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट ठीक है एबसेंट है ट्रू न्यूक्लियस देन जो इसका मेन स्ट्रक्चर और है कि राइबोसोम एंड राइबोसोम्स तो आप फिगर में देखो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मिसोसोम ठीक है इनफोल्डिंग होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पे mesosome is attached to the plasma membrane it is a small spherical structure constituted by infolding of the plasma membrane mesosome contain a coiled membrane inside it according to the higgins and the Sokman in 1971 mesosome help in the separation of the two daughter nucleoids एंड सेप्टम फॉर्म मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये मिजोजोम इसका फंक्शन याद रखना मिजोजोम हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड सेप्टम फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ठीक है इट ऑल्सो एक्ट एज द साइट फॉर द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन द मिजोजोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल देन राइबोजोम यूकेरियोटिक में एट्टी एस टाइप का राइबोजो होता है प्रोकेरिटिक सेल्स के अंदर जो राइबोजोम होते हैं वो सेवेंटी एस टाइप के होते हैं विच टेक पार्ट इन द प्रोटीन प्रोटीसिस हमें पता है राइबोजोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं दिस राइबोजोम्स ओफन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल सीरीज एट द टाइम ऑफ प्रोटीन तब उप उप उसको क्या बोलोगे पोली ये देखो यहाँ पर कह राइबोजोम्स दिखा रखें ये अलग अलग प्रेजेंट है जब क्या है हेलिकल ऐसे सीरीज में प्रेजेंट हो जाते हैं ना एक दूसरे के साथ लगते लगते तो उस टाइम पे आप इस राइबोजोम्स को बोलते हो पोलियो अब है न्यूक्लियर बॉडी जो यहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसके बारे में तो नोन एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर ए वेल ऑर्गेनाइज मेमरेन बाउंड न्यूक्लियस इज एबसेंट इन बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंड विद हिस्टोन टू फॉर्म द ट्रू क्रोमोजोम्स ठीक है हिस्टोन से डायरेक्टली क्या है बाउंडेड नहीं रहते हैं सिर्फ नॉर्मली जीनो फॉर प्रेजेंट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स व्हिच इज फोल्डेड टू फॉर्म द सर्कुलर तो आपसे अगर कोई पूछे कि कैसा डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर आप बोलोगे सर्कुलर डीएनए सर्कुलर क्लोज रिंग अबाउट वन थाउजेंड माइक्रोमीटर लॉन्ग उसको आप क्या बोलते हो न्यूक्लियोइड इट इज़ एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियोइड होता है ये कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है देर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिजन इन बैक्टीरिया स्पिडल नहीं बनता लेकिन सेप्टम तो बनता है ना अभी हमने पढ़ा जो मीजोजोम है वो सेप्टम की फॉर्मेशन करवा के सेल डिविजन करवा देती है और जबकि एनिमल सेल में पढ़ते हैं ना कि स्पिंडल बनते हैं इसमें स्पिंडल्स की फॉर्मेशन नहीं होती एन एडिशनल एक तो इसका मेन जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है उसके अलावा इसके अंदर एक एडिशनल डीएनए भी प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो प्लाज्मिड प्लाज्मीड ट्रम टू मार्क्स या वन मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है ना उसमें पूछी जाती है एन एडिशनल सर्कुलर डी एन एट इज नोन एज प्लाज्मिड इज फाउंड इन द मेल बैक्टीरियम सेल ऑफ इकोलाई विच फंक्शन एज द डोनर सेल ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रिप्रोडक्शन कैसे करता है वहाँ पर आप कंजुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप की होती है द एक्सटीरियर द एक्स्ट्रा सेलुलर डी एन ए स्टर्म डेज द फर्टिलिटी फैक्टर जिसके अंदर यह एक्स्ट्रा डैलुलर प्लाज्मा जो है प्रेजेंट होता है वहाँ पर उसको आप बोलते हो एफ पॉजिटिव सेल है दैट मीन्स वहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है वेन दफ पॉजिटिव और फर्टिलिटी फैक्ट्रीज एसोशिएटेड टेम्प्रेरी तो उस सेल्स को आप क्या बोलोगे विद मेन डी एन ए के साथ में देन आप बोलोगे एप्पीजोम क्या है आपका जो फर्टिलिटी फैक्टर टेम्प्रेरी एसोशिएट करता है डी एन ए के साथ में तो आप उसको बोलोगे एप्पीजोम और इफ़ प्रेजेंट फ्रीली अगर ये फर्टिलिटी फैक्टर फ्रीली प्रेजेंट है सेल के अंदर तो आप बोलोगे प्लाजमिन ठीक है मतलब कि जो मेन डी एन ए है और ये एक्स्ट्रा सेल और डी एन ए अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो आप क्या बोलोगे एप्पीजोम और अगर खाली अकेला प्रेजेंट है तो प्लास्मेट ठीक है प्लास्मेड आर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सपर कॉल डी एन ए फ्यू थाउजेंड जीन्स इसमें कुछ ही थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लास्मेड में यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है अभी आपका सर्कुलर डी एन ए इसमें क्या होगी फोल्डिंग होगी तो फोल्डिंग होगी यहाँ पर दिखा दिए राइब आर एन ए जो है प्रेजेंट है एम डी एन एच आर एन बनेगा देन कोयलिंग होगी सुपर कोयलिंग होगी और उसके बाद क्या है निक वगैरह आ जाते हैं जो क्या करते हैं आगे, आगे आपका ये दिखा रखी कि, कि किस तरीके से एप्लीकेशंस वगैरह का प्रोसेस चलता है और फोल्डिंग का प्रोसेस चलता है ई के अंदर तो मैंने फोल्डिंग दिखा रखी है ठीक है जो आगे फंक्शंस करने के लिए जरूरी होते बैक्टीरिया को तो आपके प्लाज्मेड को भी आगे डिफाइन कर रखा है प्लाज्मिड आर द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड सुपर कोइल्ड डीएनए कंटेनिंग फ्यू थाउजेंड जीन्स दीज आर ऑफ द थ्री टाइप फर्स्ट इज एफ प्लाज्मिड सेकेंड इज आर प्लाज्मिड एंड थर्ड इज़ कोल प्लाज्मिड एफ प्लाजमिड मतलब कैरी द जीन फॉर सेक्स पिल्ली जो ये बनाने सिक्स पिल्ले यहाँ पे सेक्स पिल्ली आएगा मतलब जो स्पेलिंग ठीक कर लेना एस ई एक्स ये क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए दिज आर रिस्पॉसिबल फॉर कंजुगेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्टेन टू अनदर वन स्टेट मतलब जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है एफ पॉजिटिव सेल है जो प्लाज्मिड जिसमें प्रेजेंट है उसको आप बोलोगे पॉजिटिव स्टेन जिसके अंदर क्या है कि फर्टिलिटी फैक्टर एबसेंट है उसका आप बोलोगे एफ नेगेटिव सेल बैक्टीरिया के इसमें और उसी को आप क्या बोलोगे नेगेटिव स्टेन ठीक है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं है वो अलग फैक्टर था यहाँ पर स्टेन से मतलब है कि फर्टिलिटी फैक्टर किस में प्रेजेंट और फर्टिलिटी फैक्टर किसमें एबसेंट है जिसमें प्रेजेंट है वहाँ से जिसमें एबसेंट है वहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है थ्रू दिस सेक्स पिलाई सेकेंड इज़ आर प्लाजमिट आर प्लाज्मिट कैरी जीन फॉर रजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स आर फॉर रजिस्टेंट ये जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं लड़ते हैं या नलीफाई करते हैं इफैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स समटाइम्स प्लाज्मिड में सो बोथ बट एफ एंड आर टाइप प्रोपर्टीज ठीक है यहाँ पे कोल प्लाजमिड है नेक्स्ट जो कैरी करके रखता है जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलिस एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट किल्स किल सेंसटिव इकोलाइज सेल्स जो इकोलाइसल्स सेंसिटिव होते हैं किसी एंटीबायोटिक्स वगैरह के लिए उनको किल कर देता है ये कोलिसिन ठीक है अब हमने इसमें देखा बैक्टीरिया सेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि सेल वॉल कैप्सूल स्लाइम स्लाइमलेयर फ्लैजिला पिलाई प्लाजम और प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है सेल वॉल में के बेसिस पे हमने टू टाइप में डिफाइन किया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या था सिंगल लेयर प्रेजेंट थी ग्राम नेगेटिव में दो लेयर ग्राम पॉजिटिव में स्टेन को अब्जॉर्व करके रखा था ग्राम नेगेटिव में स्टेन को कोई नहीं किया था ठीक है प्रोटोप्लाज्म हमने क्या पढ़ा फिर में न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड में हमने पढ़ा प्लाज्मी के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था जीनोफोर्स के बारे में पढ़ा था सर्कुलर डीएनए होता है यहाँ पर आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब